भारत ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत का मिशन चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लगातार जारी है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव से नई जानकारियां जुटा रहा है। भारत का मिशन अब तक पूरी तरह सफल रहा है, लेकिन इससे ठीक पहले रूस का मून मिशन लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश हो गया था। रूस के लूना 25 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश होने के लगभग 2 हफ्ते बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लूना 25 की क्रैश साइट की तस्वीरें जारी की। नासा ने एक तस्वीर जारी की है जो मिशन के संभावित दुर्घटना स्थल को दिखाती है। नासा ने 31 अगस्त को एक बयान जारी कर कहा कि उसके चंद्र टोही ऑर्बिटर ने संभवतः पिछले हफ्ते क्रैश साइट का पता लगा लिया है। नासा ने कहा कि रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा प्रदान किए गए अनुमानित इम्पैक्ट साइट डाटा का इस्तेमाल करते हुए नासा के विशेष ऑर्बिटर लूना 25 का पता लगाने में जुट गए थे। लूनर रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर कैमरा का उपयोग करते हुए नासा की टीम 24 अगस्त को संदिग्ध दुर्घटना स्थल की छवि लेने में कामयाब रही। LROSE ने उसी क्षेत्र की पिछली तस्वीर जून 2022 में ली थी। नासा ने ताजा और पुरानी दोनों तस्वीरों की तुलना करते हुए कहा, जिसमें पहले और बाद की फोटो में चंद्रमा पर एक चमकीला ताजा गड्ढा दिखाई दिया जो पिछले 14 महीनों में बना है। नासा ने अपने बयान में कहा, क्योंकि ये नया गड्ढा लूना 25 के अनुमानित इम्पैक्ट बिंदु के करीब है, इसलिए नासा की टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि लूना 25 की क्रैश लैंडिंग साइट ये हो सकती है। नासा के मुताबिक चांद पर ये नया गड्ढा लगभग 10 मीटर व्यास का है और ये 57.865 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 60.360 डिग्री पूर्वी देशांतर पर लगभग 0 से 360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गौरतलब हो कि लूना 25 बीते 47 सालों में रूस का पहला मून मिशन था। रूस भी भारत की तरह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश लूना 25 19 अगस्त को अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चांद की सतह पर क्रैश लैंड हो गया था। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही भारत के चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद के इसी दक्षिणी ध्रुव पर उतरा और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का पहला देश बन गया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।